फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज के नगला भूपाल के तालाब पर लोगों ने अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवैध कब्जा करने वाले लोगों पर ठोस कदम उठाते हुए सरकारी जमीन को खाली कराया जा रहा है। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी सिरसागंज विवेक कुमार मिश्रा ने नगला भूपाल के तालाब नंबर 575 के गहनता से जांच पड़ताल कर लेखपाल व राजस्व टीम गठित कर दस्तावेज को खंगाला गया, जिसमें पाया कि 575 नंबर के तालाब को लोगों ने अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कर लिया था। SDM सिरसागंज ने सभी कब्जा करने वाले लोगों को नोटिस देकर अवगत कराया कि तालाब से स्वयं अवैध कब्जा हटा लें, अन्यथा प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध कब्जा न हटाने पर SDM सिरसागंज विवेक कुमार मिश्रा ने क्षेत्राधिकारी सिरसागंज राजवीर सिंह, थाना प्रभारी सिरसागंज शिव कुमार चौहान ने थाना नगला खंगर, थाना नसीरपुर से पुलिस फोर्स व एसी फोर्स को बुलाकर मौके पर पहुंचे और दो बुलडोजर एवं नगर पालिका टीम बुलाकर तालाब पर बने अवैध पक्के निर्माण को हटाकर कब्जा मुक्त कराया। ये तालाब का कुछ हिस्सा नगर पालिका का है और कुछ हिस्सा नगला फूल भोपाल का आता है। फिजिकली तालाब एक है, पूरी शासकीय संपत्ति है, आधा हिस्सा लगभग। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।